ग्वालियर से श्योपुर कलान चलती है एक छोटी ट्रेन, छोटी यानी कि सिर्फ 7 डिब्बों की और छोटी सी पटरी पर। ऐसी रेल शायद ही और कहीं देखी जाएगी जो 200 किलोमीटर छोटी पटरी पर और डिब्बों से चलती है। ये छोटी सी गाड़ी इस क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को ग्वालियर शहर से जोड़ती है। इस रूट पर प्रतिदिन ग्वालियर से श्योपुर कलान, ग्वालियर से सबलगढ़ और सबलगढ़ से श्योपुर कलान के बीच 8 गाड़ियां निरंतर चलाई जाती हैं। छोटी पटरी को रेल की भाषा में नैरो गेज कहते हैं। आम नैरो गेज की चौड़ाई 2.5 फीट होती है जबकि इसकी चौड़ाई केवल 2 फीट। भारतीय रेल में पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में 2 फीट की रेल सिर्फ यही है। छोटी रेल, इसका इंजन, इसके डिब्बे, पटरियां, ये सब आम नहीं है। तरक्की की राह पर जहां देश में ज्यादातर लाइनें ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो चुकी हैं, नैरो गेज के डिब्बे और पटरियों को मेंटेन करना अपने आप में एक चुनौती है। इंजन और डिब्बों के स्पेयर्स के साथ साथ पटरियों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ ऐसा हो गया है कि इसके स्पेयर्स पार्ट्स मिलने बंद हो गए हैं और जो डीजल हम इसको यूज़ करते थे स्टीम इंजन से कन्वर्ट करके बाद में, वो भी अब मेंटेन करने में प्रॉब्लम होने लगी है। फिर भी रेल कर्मियों के लगातार परिश्रम और मनोबल से इस रूट पर दिन में 8 गाड़ियां चलाई जा रही हैं। वर्ष 1987 से नैरो गेज का संचालन 13 डीजल इंजनों के द्वारा किया जा रहा है। नैरो गेज कोचों के शेल कालका एवं कुर्दुवाड़ी वर्कशॉप द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं एवं उनकी बोगी हमारे द्वारा तैयार की जाती है। हमारे द्वारा निर्धारित प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एवं संरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन समय पर किया जाता है। हर क्षेत्र की तरह यहाँ भी रेलवे की महिला कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है। यहाँ पर गाड़ी में जो भी काम होता है कारपेंटरी का, उसे हम संभालते हैं। सनमाइका लगाना, साइटों में विंडो खिड़कियाँ टूटी हुईयों को बदलना, गाड़ी के फुटबोर्ड चारों जो खराब होते हैं उन्हें सही करना, डोर हैंडल हैं उनको ठीक करना जो खराब होते हैं। प्रतिदिन यार्ड में गाड़ियों की धुलाई, सफाई और जरूरी रखरखाव किया जाता है और साफ एवं सुरक्षित गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगाई जाती है। समय समय पर कोचों और इंजन की ओवरहॉलिंग ग्वालियर स्थित कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप में किया जाता है। वीरान जंगलों से गुजरती हुई 200 किलोमीटर की पटरी को मेंटेन करना आसान काम नहीं है, पर रेलवे के ट्रैकमैन और अन्य कर्मचारी पूरी कर्मठता के साथ लगातार जुटे रहते हैं जिसकी वजह से ट्रेन सुरक्षित बिना रुकावट के चलती है। ये चाबी अगर ढीली है तो इसमें गेज खराब होने का डर रहता है, इसलिए उसको इधर उधर से ठोकने पे गेज बराबर बना रहे, इसलिए टाइट की जाती है चाबी। उसमें जो भी अनइवेंस ट्विस्ट वगैरह होते हैं वो पुश ट्रॉली द्वारा या मोटर ट्रॉली द्वारा मेंटेनेंस का कार्य चेक किया जाता है। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के साथ साथ कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। जैसे ही गाड़ी ग्वालियर से निकलती है, घोसीपुरा के पास कटी घाटी पर एक अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ मानो रेल और रोड का परिणय हो चला है। पूर्ण ट्रैफिक से भरी सड़क के बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है। ट्रेन जैसे ही गुजरी, उसके पीछे मोटरसाइकिलें, कारें हॉर्न देते हुए निकलती हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो इस रूट के सिवा हमें और कहीं दिखाई नहीं देता। सिंधिया स्टेट के जमाने में महाराजा की वजह से चंदन की लकड़ी आती थी और वो इंजन में काट कर जलाई जाती थी और उससे स्टीम बनती थी और गाड़ी चलती थी, ये हमने देखा। सन 1893 में इस लाइन की शुरुआत माधवराव सिंधिया प्रथम ने अपने महल में शौकिया तौर पर की थी। आज भी सिंधिया के जय विलास पैलेस में कुछ जगहों पर ये लाइन दिखाई देती है। ये ट्रेन हमारे यहाँ से गुजरती थी, ये जो अभी जो रास्ता है ये मांडे का बाग है और बीच में हमारा बीच में उसको ट्रेन जाती थी। यहाँ गंजी में ग्वालियर ग्रास डिपो होता था, करीब करीब 3-4 हज़ार घोड़े होते थे तो उनके घास का बंदोबस्त होता था।
तो यहाँ से घास ले जाने के लिए ट्रेन कई बार यहाँ से आती थी और जाती थी। स्टेशन परिसर के बाहर स्टीम इंजन खड़ा हुआ है। वो इंजन के इतिहास ऐसा है कि उसको ग्वालियर की रियासत ने रेस में जीता था और वो इंजन जो है चंदन की लकड़ी और तेल से चलाया जाता था। शौकिया रेल धीरे धीरे जन सुविधा में परिवर्तित हो गई और 1909 तक ग्वालियर श्योपुर कलान 199 किलोमीटर, भिंड 83 किलोमीटर और शिवपुरी 118 किलोमीटर तक की लाइनें बनकर यातायात शुरू हो गई। इसे ग्वालियर लाइट रेलवे का नाम दिया गया और ग्वालियर के पदस्थ महाप्रबंधक इसका नेतृत्व करने लगे। सन 1942 में सिंधिया स्टेट रेलवे में और 1951 में ये लाइन मध्य रेलवे में मिल गई। सन 2003 में उत्तर मध्य रेलवे के गठन के बाद ये लाइन उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में मिलाई गई। ये ट्रेन क्षेत्रीय लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है। आठों सर्विसेज हमेशा खचाखच भरी हुई चलती है। इंजन को सामान ले आए, ट्रैक्टर को आवे, मरीज दिखावे आवे ग्वालियर। हम चल रहे हैं 40 साल हो करीबन। ये चारों ओर से खचाखच भरी हुई ट्रेन का दृश्य इसकी लोकप्रियता का प्रतीक है। नानी के वहाँ कैलारस, ग्वालियर से कैलारस तक की जाती। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यातायात के दूसरे साधन या तो है ही नहीं और जहाँ कहीं है भी तो लागत इतनी ज्यादा है कि ये गरीब लोगों की क्षमता से बाहर है। और कोई साधन ही नहीं इस रूट पे हमारे लिए। यादव जी चलती रहे, गाड़ी बड़ी भी हो जाए, जो भी चलती रहे। शादी हुई है, इसी ट्रेन से आना जाना होता है ग्वालियर से गाँव। इसीलिए इस ट्रेन का कोई और विकल्प नहीं है। ये गाड़ी ग्वालियर से घोसीपुरा, मोती झील, बामोर गांव, जौरा अलापुर, कैलारस, सबलगढ़, बीरपुर, इकडोरी जैसे 28 स्टेशन्स के माध्यम से 200 गांवों को जोड़ते हुए 199 किलोमीटर दूर शिवपुर कलान तक यात्रा करती है। सबलगढ़ और इकडोरी के बीच का रास्ता देखते ही हमें ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने हमारी रेल को अपने आलिंगन में ले लिया हो। नदियां, झरना, झील, पहाड़ी, सब में से गुजरी रेल हमारी। यह सेक्शन प्राकृतिक के मनमोहक दृश्यों से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको नदियां, नहरें, पहाड़ी, जंगल, खेत सभी देखने को मिलेगा। बीरपुर और इकडोरी के बीच कुनो नदी से जब ये ट्रेन गुजरती है वो दृश्य आंखों में बस जाता है। पहाड़ों के बीच जंगलों से नदियां पार करते हुए अपनी ही मस्ती में चलती रहती है ये ट्रेन। कई स्टेशन्स पर यात्रियों के लिए स्वादिष्ट क्षेत्रीय पकवान से भरे खान पान की सुविधा उपलब्ध है। इस एरिया में आप लगभग 200 किलोमीटर सिर्फ 45 रुपए में कवर करते हैं। अगर हम नैरो गेज के सेक्शंस देखें, शिमला, कालका, दार्जिलिंग, अधिकतर टूरिस्ट सेक्शंस हैं, बट ये सेक्शन यहाँ के ग्रामीण वासियों का एक शुरू से ही इकोनॉमिक नर्व सेंटर रहा है। शुरू में यहाँ पे मालगाड़ियाँ भी चलती थी जिससे कि सभी किसान लोग अपना उत्पाद लेके ग्वालियर तक आया करते थे। इस सेक्शन में अभी भी सन 1909 की व्हील सिग्नल का उपयोग किया जा रहा है और पॉइंट चेंज भी मैनुअली किए जाते हैं। ये लाइन इस रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों को बहुत प्रिय है, बहुत पुरानी लाइन है। इसके साथ ही लोग पले बड़े हैं, इस इलाके के लोगों से जुड़े हुए हैं। ये नैरो गेज की सबसे लंबी लाइन है। जहाँ जहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं है वहाँ वहाँ पर ये 28 स्टेशनों के माध्यम से 250 गाँवों को एक दूसरे से जोड़ती है। यहाँ गरीब किसान और कुछ यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जिनका जीवन यापन का एकमात्र साधन ये भारतीय रेल है। इस नैरो गेज ट्रेन का आज मैं संचालन करने जा रहा हूं और मैं बहुत ही इस ट्रेन का संचालन करने पे बहुत ही प्राउड फील करता हूं क्योंकि ये अपने आप में एक हेरिटेज ट्रेन है। ये जो आप पीछे एक नैरो गेज का डिब्बा देख रहे हैं ये 2 फीट यानी कि 610 मिलीमीटर की नैरो गेज लाइन का एक पुराना डिब्बा है। ये लाइन और ऐसी कई लाइनें सिंधिया घराने ने बनाई थी 1836 के आसपास जब उन्होंने यहाँ अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया था ग्वालियर में। यात्रा की सुविधाएं देने के लिए बनाया था, इससे बिजनेस हुआ करता था, लोग अपनी यात्रा पूरी करते थे। इस इलाके में अभी और यात्रा के साधन नहीं थे, अभी भी नहीं है शायद,
लेकिन धीरे धीरे ये लाइन पुरानी होने लगी, इसके रखरखाव में दिक्कतें आने लगी और इसको आयाम परिवर्तन करने का एक निर्णय लिया गया था कुछ वर्ष पहले। लेकिन उसके बाद इस एरिया की जनता के भावनाओं को देखते हुए उस कार्य को रोक दिया गया, क्योंकि जो धरोहर को एक संभालने की जो एक फीलिंग होती है जनता के अंदर, उसके चलते इसको रोक लिया गया था। लेकिन अब ये जनता को भी लगने लगा कि अब वो दूर गामी क्षेत्रों से जुड़ नहीं पाते हैं, तब एक मांग उठी कि इसको आयाम परिवर्तन कर दिया जाए। इस कड़ी में इस लाइन का भी आयाम परिवर्तन अब स्वीकृत जो हो चुका था, उसका काम शुरू किया जाएगा और अगले 2-3 साल में हम इसको आयाम परिवर्तित कर देंगे। इसमें लोग ऐसा भी कर लेते हैं, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि चलती गाड़ी में चलते चलते गाड़ी पकड़ ली और फिर अगले स्टेशन पर उतर गए। आय से ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत नहीं था, लेकिन यही अकेली एक लाइन थी। सड़कें अभी रिसेंटली आई हैं तो इसको हम लोग संभाल के रखते थे। प्लस इस एरिया की जनता को ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो दूरगामी क्षेत्रों से बड़ी गेज की गाड़ियों से जुड़ें, जो लंबी दूरी गाड़ियाँ हैं उनको उसमें परिवर्तन ना करना पड़े, अपना स्टेशन तक गाड़ी बदलनी ना पड़े। तो अब ये गेज कन्वर्ट होने के बाद ये ब्रॉड गेज हो जाएगी, तो इस इलाके से होकर और दूर लंबी दूरी गाड़ियाँ भी चलेंगी, माल गाड़ियाँ आया करेंगी, इस इलाके में इकोनॉमी ग्रो करेगी, इस इलाके में पैसेंजर अमेनिटीज़ आएंगी, बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी, नए नए कारोबार यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ के लोग दूर इलाकों में यात्रा कर पाएंगे सुविधा के साथ। तो इस कड़ी में अब इस यात्रा इस लाइन का गेज कन्वर्शन सैंक्शन हो गया है, जो हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। हालांकि उन्नति की राह पर ये लाइन शीघ्र ही ब्रॉड गेज में परिवर्तित की जाएगी। इसकी यादें इस क्षेत्र के लोगों से हमेशा जुड़ी रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में रहेगी। इस रेल के प्रति लोगों की भावना को इस सज्जन ने बखूबी व्यक्त किया है। इस ट्रेन के अलावा और कोई साधन नहीं है, जो भी कुछ है ये ट्रेन ही है और गरीबों की तो मात्र एक सहारा है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोटर में लगते हैं 250 रुपये, उसमें लगते हैं ग्वालियर का केवल 30-40 रुपये। इससे अच्छी सुविधा कहाँ मिलेगी साहब? बड़ी चलेगी जब चलेगी, इसे तो चलने दो, ये जिंदगी है साहब।